ग्राउंड खेलूँगा जिसमें मैं आप लोगों को पूरे ट्रेनिंग का टूर करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैच स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि फ्री फायर का जो नया अपडेट आया था, मतलब जो जब नया ट्रेनिंग ग्राउंड पूरा चेंज किया गया था तभी मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन तब मैं फ्री फायर की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मतलब फिर मैं माइनक्राफ्ट पे फोकस कर रहा था ना। मैंने बस मन में ठान लिया था कि भाई अब माइनक्राफ्ट पे फोकस करना है, लेकिन फ्री फायर और ये सब सारे बैटल रॉयल गेम्स को मैं भूल ही गया था। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं फ्री फायर में आप लोग को पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड का टूर दूंगा। तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ एक्सीमेट और CG15 पिस्टल में से ऑब्वियसली डेजर्ट ईगल लूँगा और मिली वेपन में से ये लेंगे, इसका नाम आज तक नहीं पता चला मुझे क्या है। चलो ठीक है, अभी इतना काम तो हो गया। मैं मैगजीन ले लेता हूँ, डबल मैगजीन जो कि इसमें लग गई, और ये फोर ग्रिप ले लेते हैं लेवल 3 का जो कि इसमें लग जाएगा, ठीक है। और स्टॉक लेवल 3 ले लेते हैं जो कि इसमें लग जाएगा, मजल भी ले लेते हैं और साइलेंसर भी ले लेते हैं और ये मैगजीन भी ले लेते हैं। चलो भाई समय मैगजीन भी लगा लिए। चलो अभी यहाँ से मैं वेस्ट वोस्ट ले लेता हूँ, बैग और मशरूम इन्हेलर, यार मेडिट होती है तो सही रहता था ना, ये इन्हेलर इतना सारा लेना पड़ता है। इतना इन्हेलर हो गया, 40 हो गया है। और ये वीडियो मैं बहुत दिन की बात डाल रहा हूँ, मुझे पता है कम से कम 3 हफ्ता या 4 हफ्ता हो गया मैंने वीडियो कोई भी नहीं डाली अपने चैनल पे। तो आज की ये वीडियो जो है रमज़ान स्पेशल है, तो रमज़ान मुबारक आप लोग को बहुत ही ज़्यादा, मतलब रमज़ान आ चुका है तो ये वीडियो मैं स्पेशल रमज़ान के लिए बना रहा हूँ और बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए लाइनें भूल गया क्या क्या बोलना है। तो सबसे पहले इधर कौन बनना है, फ्री फायर वालों ने। चलो यहाँ पर अभी मैं फाइट करने चलता हूँ, फिर हम लोग ये वाले ट्रेनिंग ग्राउंड में चलेंगे, गाड़ी वाड़ी चलाएंगे, पूरा टूर दूंगा। वैसे है तो सेम, खाली ये लोग ने लुक चेंज कर दिया है, तो सब सेम ही लेकिन लुक ये लोग ने चेंज कर दिए और ये वाला अच्छा भी लग रहा है, पुराना वाला मतलब उसका अच्छा नहीं लगता है। चलो एक किल, इस बार भी हम लोग 50 किल तो करेंगे ही यार। कोरोना का कुछ भी फायदा नहीं के लिए तो बिल्कुल नहीं। चलो भाई तू भी जा और पहले रिपेयर कर लेता हूँ अपना ये, और बंदे यहाँ पर मैं ग्रेनेड ले लेता हूँ पहले। चलो कहाँ है बंदे, यहाँ पर एक बंदा, पहले मैं बैठ जाता हूँ, मुझे भी मुझे मार सकते हैं। मुझे लगा इसके अंदर से शायद ब्लू वॉल ये लोग ने शिफ्ट कर दिया, लेकिन ब्लू वॉल ने शिफ्ट किया, खाली ग्रेनेड की जगह ये लोग ने शिफ्ट कर दिया। यार इसने एक तो मेरी किल चुराई और मार भी दिया इसने, इसने नहीं पीछे वाले बंदे ने मारा है। यहाँ पर से मैं स्मोक ले लेता हूँ पहले, स्मोक इधर ही मिलता है ना, जल्दी से स्मोक ले लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। ओ भाई इधर ही बंदा सामने, इसी ने मुझे मारा था, रुक भाई तू तो गया, इसी ने मुझे मारा था लास्ट टाइम। चलो ये तो गया, रिपेयर कर लेता हूँ मैं पहले, इन्हेलर लगा लेता हूँ, एबिलिटी ऑन कर लो, तो वैसे कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मर जाएंगे फिर से रिस्पॉन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी चलो। अरे भाई कैसे मार दिया यार ये शॉटगन वाले ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं ब्लू वॉल उठा लेता हूँ, इधर ही मिलता है ब्लू वॉल मेरा, यहाँ बंदे भी हैं लेकिन पहले ब्लू वॉल लेना पड़ेगा। यार इसने तो मार भी दिया, अरे भाई इसको फिर से मार नहीं दिया, ये तो फ्रेंड बन रहा था भाई। चलो ये वाला बंडल भी मुझे मिल गया, ये बहुत मुश्किल से मतलब गोल्ड रॉयल में कम से कम 1000 करोड़ों बार मैंने स्किन किया तब जाके मुझे मिला है भाई। तो अब यार ये शॉट गन वाले एकदम मतलब दिमाग खराब कर देते हैं, मर गया यार, किल चुरा ली इसने।
चलो कोई बात नहीं, एक तो मैं इतने दिन के बाद फ्री फायर खेल रहा हूँ ना, हाथ भी नहीं बैठ रहा है। चलो यहाँ पर एक बंदा, चलो रीलोड करो यार। रीलोड में देखना हाथ भी नहीं बैठ रहा है, अभी उंगली मैंने फोड़ी है तब जाके थोड़ा सा सही लग रहा है, तो हाथ ही नहीं बैठ रहा है भाई। मर जा। चलो भाई मुझे लगा कुछ अलग ही सीन होगा। ये भी देखो, पता नहीं कि कौन सा नशा करता है भाई साहब। ये खाली गन ऐसे लेके खड़ा है, मतलब मार ही नहीं रहा, खाली ऐसे गन लेके खड़ा है। माफ करा भाई, अब मैं मरूंगा। ये नहीं मरा, नहीं बच गया। अरे यार चलो, अभी मेरी 9 किले, इसकी 14 किले, मेरी खाली 9 है यार। यहाँ पर पहले गन ले लेते हैं, यहाँ पर से अगर कोई बंदा दिखे तो फिर एक बस ये बटन मुझे छोड़ना है। बंदा गया। अरे रे रे रे, मुझे नहीं छोड़ना था यार, यही प्रॉब्लम है ना, अगर ओपन में ऐसे तुम ये मशीन गन लेके खड़े रहोगे ना, यही होगा तुम्हारे साथ यार। ये एक पेमेंट ना दूर से जैसी, लेकिन पास से बड़ी सही चलती है। लोड कर लो, नहीं तो ये मुझे शॉर्ट गन से मार दे। चलो भैया वो तो अच्छा था मेरे पास एचपी थी, उसकी एचपी मैंने लो कर दी थी। ये इसने मार दिया ना इसके भाई ने यार। भाई ये लोग ने इधर पूरी बम्पर कार रख रखी है यार, क्या बंदा है। मुझे वो कौन लग रहा है, नहीं ये तो कोई दूसरी कैरेक्टर थी। यहाँ पर और कोई बंदा नहीं दिख रहा है मुझे, देखते हैं यहाँ पर है क्या बंदा। नहीं इधर भी नहीं है, यहाँ ही बंदा दिखा दिखा। भाई मर जा। अरे भाई क्या, मेरी एचपी भी कम थी यार। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास म्यूटेटा की एबिलिटी है, इससे मैं जितने भी चूज करूँगा मेरी एबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर पूरा ये लोग ने पीसी रख रखा है, ये पीसी, ये मॉनिटर, ये कीबोर्ड और ये माउस। चलो चलो सबसे पहले मैं ये, ओ भाई इधर तो मैं खड़े होकर मार सकता हूँ। कैंपर के लिए सब बनाया है ये लोग ने। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरी 23 किल हो चुकी है और अभी तक मतलब 35 किल नहीं हो पाई। 35 किल करके मैं आप लोग को दूसरे वाले ट्रेनिंग ग्राउंड का वो पूरा टूर करवाऊंगा। पहले ये वाला तो आप लोग ने देख लिया, सेम ही है, खाली ये लोग ने लुक चेंज कर दिया और यहाँ पर एक टावर लगा दिया ये लोग ने, मतलब एक मैरी गो राउंड है ये, लेकिन इस पर हम लोग बैठ नहीं सकते, चलता नहीं है ये। हाँ एक बंदा कौन यार, इधर क्रोन हुआ कि मरा है, मर गया मर गया। देखना कभी कभी ना ये गन ना बहुत दिमाग ख़राब करती है, रिकॉइल तो एकदम ही नहीं देती कोई भी नहीं। पबजी में रिकॉइल होता है, इस फ्री फायर में रिकॉइल कोई भी गन नहीं देती। देखते हैं और बंदा, यहाँ पर एक बंदा है, जल्दी चलो जल्दी। हाँ एक बंदा ये हेड किया लास्ट टाइम पे। चलो अभी देखना, मेरी एचपी 212 हो चुकी है, मतलब बंदे को मारने की लुक्वेटा की एबिलिटी है। अरे गोली किधर से पड़ी, इसने मारी थी क्या? नहीं इसने नहीं मारी थी, तो अभी फोन हुआ था वेक्टर वाले ने मारी थी। वेक्टर एकदम बकवास लगती है मुझे, अब तो पहले जब नई नई आई थी तब थोड़ा ठीक चलती थी, अब तो नहीं यूज करता चलो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ कि जो नूब रहते हैं वो कैंपिंग कैसे करते हैं। अभी अच्छे तरीके से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो लोग ने कैंपिंग, कैंपस के लिए कैंपिंग की एकदम अच्छी जगह भी बना दी है। तो अभी टोटल खाली 5 बंदे हैं यार ट्रेनिंग ग्राउंड में। यार ऐसे तो 35 फील करने में बड़ा टाइम लग जाएगा यहाँ। अबे भाई ये मिली से मारेगा क्या? चलो अच्छा हुआ मैंने उसको मार दिया, नहीं तो वो मुझे मीली से मार देता, फिर आप लोग बोलते नूब हो तुम। वैसे कोई कमेंट तो नहीं करता लेकिन तब भी यार। चलो अभी एक बंदा और आ गया है इधर। चलो ये यार ये अंदर घुस गया। देखो कैंपिंग करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं। अबे इसको गोली क्यों नहीं लग रही? मरना नहीं है यार, ये वेक्टर वाला मेरे पीछे ही पड़ गया।
बस 8 किल और करनी है, 8 किल के बाद तो फिर मैं आप लोगों को वाला ग्राउंड दिखाऊंगा। अरे भाई इसको मारा क्यों नहीं है? अभी थोड़ा मशीन गन यूज करने का टाइम आ गया, मशीन गन निकालो भाई, कहीं कैंपिंग करके मारेंगे ना तो ही सही रहेगी। मशीन गन वैसे अगर ऑटो चलाएंगे तो फिर उतना अच्छा डैमेज, एक्सीमेट तो अच्छा तो नहीं देती लेकिन फिर भी मज़े लेते हैं इसके भी। यहाँ पर एक कोरोनो की एबिलिटी किसी ने तो यूज़ करी। अरे भाई मार देगा ये मुझे, मार देगा। एचपी कितनी थी इसकी? अरे उसने मार दिया उसको। चलो कोई बात नहीं, अभी 6 ही बंदे हैं, मतलब मुझे लेके 6 बंदे, मुझे छोड़ के 5 बंदे। ये भाई इसको तो मैं मारूंगा यार, देखना ये किल चोर को, इसको तो मैं मारूंगा। जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, ऐसा ज़्यादा होता नहीं है, कभी कभी हो जाता है। चलो अभी कितनी किल, 7 किल करनी है यार अभी तो। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे। चलो भाई इसको तो मैंने ख़त्म कर दिया, खाली 11 HP है यार, ये पीछे वाले बंदे ने मार दिया। चलो यार इसको मैंने नहीं मारा, ये डेजर्ट ईगल वाले को, ये डेजर्ट ईगल लेके कब से सबको मार रहा है, इसको मैं मारूंगा ये वाला। अरे हाँ मार दिया। चलो इस बंदे ने गुस्सा से इसकी कर कम कर दी थी उसकी, इसकी तो खाली 17 किल। चलो बस 5 किलो और फिर उसके बाद मैं आप लोग को टूर करवाऊंगा उस ग्राउंड की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कब से। भाई वो बहुत बड़ा है यार, पहले वाले से तो बहुत ही बड़ा है। चल भाई मर गया। अरे भाई क्या टाइमिंग थी उसके, ही मरते मैं भी मर गया। ये इस बंदे ने मारा था मेरे पीछे, पड़ गया ये एकदम, मर गया। अरे यार कौन मार रहा है ये पीछे से? अब तो ये गया, अब तो मैं इसके पीछे पड़ूंगा। अब ये गया, बस मार ना दे नहीं तो बेइज्जती अलग हो जाएगी। जल्दी जल्दी किधर है वो तो नहीं दिख रहा लेकिन ये भाई लोग दिख रहे हैं। चलो भाई फाइनली मर गया वो किधर है भाई? भाग गया क्या डर के मुझसे? डर गया डरपोक, डर गया मेरे से। यहाँ से ये लोग ने अच्छा किया, ये वो रियलिस्टिक लुक देने के लिए फ्री फायर वालों ने अच्छा ही किया। लेकिन 3 किल और करनी है बस, 3 किल। यहाँ पर भी है थोड़ा क्रैक दीवार में यार, बंदे दिखे नहीं। ये दिखा मुझे ये रेड वाला, अभी तो गया ना, एक भी डैमेज नहीं किया इसने मुझे। चलो एक बार मर गया मैं, ये पीछे से मारा ना इसने वेक्टर वाले ने गन को। अरे भाई ये तो भागे जा रहा है, एक जगह टिकता नहीं है ये। यार एबिलिटी ऑन करके जाता हूँ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ एबिलिटी ऑन करने के बाद। चलो यहाँ अरे भाई ब्लू वॉल भी टूट गया लेकिन बंदा नहीं मिला। बस 2 किल और करनी है यार, बंदे हैं 2 बंदे। अरे यार ये पीछे से क्यों बाम मार दी? ये वेक्टर वाले ने मारा है मुझे, कम से कम किल तो करने के बाद मारते यार। कहाँ है वो वेक्टर वाला, भाग गया क्या? तो भाई ये मुझे पीछे से मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने देख लिया इसको। अब तो मैं गया, ये कोरोना के पास। ओ भाई क्या मारा है, उसकी एबिलिटी में घुस गई, उसी को मार दिया भाई। इसी बात पर लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, 400 एकदम होने ही वाले हैं, बस 20 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, फिर 400, फिर 500, फिर 1K पे लाइव स्ट्रीम। भाई लाइव स्ट्रीम करने के लिए ना मैं उतावला हो रहा हूँ भाई, 1K करवा दो फिर लाइव स्ट्रीम पक्का भाई। अरे यार ये विक्टर वाला यार, मुझे भी लेनी चाहिए थी क्या विक्टर की? ये विक्टर अच्छी चलाता है पता नहीं। 1 किलो और फिर जाएंगे उस ग्राउंड में। ये देखो भाई इमोट मार रहे हैं भाई साहब, यार इसने तो मार दिया। चलो लेकिन इसको मार दिया। चलो भाई तू तो गया एक बार, चलो एक एक्स्ट्रा किल और करते हैं।
गया मैं इस बात में यार, ये मुझे लग रहा है हैकर ऊकर है ये, नहीं हैकर तो नहीं है। चलो एक किलो और तो मैं करके जाऊंगा, चलो जल्दी कोई बंदा दिख जाए ना। चलो भैया एक किलो और हो गई, चलो जल्दी से उस वाले ग्राउंड में चलते हैं। उसका पूरा टूर तो मैं नहीं दे पाऊंगा लेकिन चलो भाई, रुको रुको पहले मेरे इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, खाली भाई हम लोग को ग्लू ऑन लगाना रहता है बस। उसका भी टूर मैं आप लोगों को कभी दूंगा लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये देखो पूरा ये लोग ने चेंज कर दिया, पहले कैसा था और अभी देखो यहाँ पर पूरे घर बना दिए लोग ने, यहाँ पर ही टावर बना दिया, इसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन मैं टावर। चलो सबसे पहले मैं इस झूले में भी हम लोग झूल सकते हैं, अभी मैं आप लोग को झूल के दिखाता हूँ। जल्दी चल भाई स्केट बोर्ड लगा जल्दी एग्जिट। चलो अरे कोई बंदा नहीं है क्या, घर में ही हूँ खाली, अच्छी बात है कोई डिस्टर्ब नहीं। ऊपर जाके रहूँगा, भूल गए इतने दिन के बाद फ्री फायर में खेल रहूँगा मैं। चलो कैसे घुसू एंटर, ये देखो ये रहा मैं, बहुत धीरे क्यों चल रहा है भाई नहीं बैठना। चलो 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 जल्दी गाड़ी उस तरफ में, तो स्केट बोर्ड लगाओ जल्दी, चल भाई स्विम कर स्विम करो। चलो अरे जल्दी ओपन हो जा, हाँ ठीक है चलो हो गया। अरे यार ये तो चीटिंग है भाई, ये ऐसे स्क्रीन करने की आदत हो गई ना, इतने दिन से सीओडी खेल रहा था। चलो ये खुल गया सफर बोर्ड, वैसे इसका ट्रैक ना एकदम उससे भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर से हम लोग को जाना रहता है। यार ये उतरो भाई, चलो ये यहाँ पर खड़ी है गाड़ी सारी की सारी, जंप नहीं कर सकते क्या, इधर ही से जाना होगा। चलो अच्छा बनाया, वैसे बुरा तो कोई भी नहीं कह सकता यार, अच्छा तो है ये। इस सब में इस सारी गाड़ियों में से वो स्पोर्ट कार मॉन्स्टर कार सबको मिला के सबसे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलती है ये वाली। अब आप लोग बोल रहे हो कि इसकी गाड़ी तो इसकी स्पीड तो खाली 100 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन ये स्पोर्ट कार से भी तेज़ चलती है। अब आप लोग सोच रहे होगे ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये, मतलब ज़्यादातर लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि ये गाड़ी क्यों तेज़ चलती है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, चलो सब गाड़ियों का टेस्ट करवाऊँगा मैं। देखो अभी यहाँ पर से जो ये टर्न है उसको जाने देते हैं, फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगा। चलो 100 भी नहीं जाती है गाड़ी, देखना 99 तक जाती है, बस 100 भी नहीं जाती है ये। तो अगर आप लोग को नहीं यकीन हो रहा है ना तो ये देखो भाई साहब 200 गई डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट 200 टच कर जाती है ये। अगर हम लोग ने रॉकेट, और ये उड़ती भी है देखना, है ना मस्त पहले, लेकिन ये ना क्लासिक में अभी नहीं आई है, क्लासिक मैप में भी नहीं आई है, रैंक में भी नहीं आई है, खाली ट्रेनिंग ग्राउंड में आई है ये। ओ भाई साहब मज़ा आता है कितना है, अगर ये एसपीपी में अगर होता ना तो एकदम मज़ा ही आ जाता है एसपीपी में, लेकिन एसपीपी में नहीं होता है फ्री फायर में, इतना मज़ा आ रहा है। चलो अभी ये एकदम सीधा वाला रोड आने वाला है, यहाँ पर यूज़ करेंगे, देखना 100 भी नहीं जा पा रही है बिना रॉकेट के ये गाड़ी को, बहुत ही धीरे चलती। चलो सीधा रोड आ गया, ये ही रॉकेट यूज़ करा, 200 पार भाई, पीछे करो। अभी चलाते हैं हम लोग स्पोर्ट कार चलाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं कार में तो बैठ चुका हूँ, तो अभी मैं आप लोग को इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करवाता हूँ, दिखाता हूँ इसकी टॉप स्पीड कितनी है। तो बिना रॉकेट के भी 160 जाती होगी, पता नहीं जाती होगी, अरे भाई ठोकनी नहीं है, 160 तो आराम से जाती होगी, 155 तो जाती है, देखते हैं अभी सीधा रोड आएगा ना तभी ये टेस्ट हो पाएगी। इसकी हैंडलिंग सबसे इतनी ख़राब हो गई, देखना ये मुड़ती भी नहीं हुई अच्छे से,
अरे देखना ही, इसकी हैंडलिंग तो बहुत ख़राब है, बाइक की हैंडलिंग इससे अच्छी है। चलो अभी इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करते हैं। अरे यार चलो जल्दी, चलो 144 तो एकदम आराम से जाती है ये। 160 जाने में थोड़ा सा मतलब गाड़ी नहीं जा पाती उतने अच्छे से, मतलब अगर सीधा रोड रहेगा ना और आप लोग बिना एक्सेलरेशन बिना ब्रेक दबाए अगर आप लोग इस गाड़ी को चलाओगे तब 160 जाएगी। देखो 150 भी आराम से पहुँच गई यार। ये सीधा रोड कब आएगा? आगे आगे कितना कितना 155 ही है बस, ओनली दिस मच पावर। चलो अभी बारी आती है इस बाइक की, तो चलो स्किन बड़ी सही लगती है। चलो और ये लोग ने लुक भी चेंज कर दी इसीलिए बाइक और अच्छी लगती है। जितना बाइक की हैंडलिंग कितनी सही है, बिना ब्रेक मारे चलाऊंगा और बिना ठोके। अगर ठोकी डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, सब कर देना भाई। ठोकूंगा भी नहीं और ब्रेक भी नहीं दबाऊंगा, देखना अब। ये बाइक की हैंडलिंग कितनी सही है ना, पहले बाइक ना उतना, जब ये पुराना फ्री फायर जब एक साल पुराना हुआ था खाली, तब तो बाइक एकदम ही बेकार चलती थी। अभी ये लोग ने बहुत अपग्रेड कर दिया है। और भाई ठोकनी नहीं है, नहीं तो फिर अनसब्सक्राइब कर देंगे सब और वीडियो डिसलाइक कर देंगे। चलो तो अभी बाइक की स्पीड कितनी है जल्दी से टेस्ट करते हैं। 125 है बस। चलो अभी बारी है पिकअप की, चलो पिकअप लेके आते हैं। पिकअप पे बैठो। चलो इसकी स्पीड बाइक से कम है, इसकी 123 124 या 120 है कुछ ऐसे ही है इसकी भी। चलो देखते हैं 119 है भाई, 118 है बस, लेकिन फिर भी ठीक गाड़ी है। पहले इसकी लुक भी अलग थी, अभी ये लोग ने रियलिस्टिक कर दी है थोड़ी सी, और ग्राफिक्स में भी बहुत ये लोग ने चेंज करा है। मतलब भाई फ्री फायर पहले कैसा था और अब कैसा है, लेकिन ये पिकअप की हैंडलिंग स्पोर्ट कार से अच्छी है, ये तो है। अभी देखो मैं मेरी स्पीड इस गाड़ी में अभी है 90 थी समझ लो, और अभी देखना ये इसकी हैंडलिंग कैसी है। अभी देखना 100 है, और ये देखना कितने प्यार से ये गाड़ी मुड़ जाती है। ये स्पोर्ट कार मुड़ नहीं मुड़ती अच्छे से, हैंडलिंग उसकी अच्छी नहीं है, स्पीड उसकी अच्छी है और हैंडलिंग इसकी अच्छी है। कुछ कुछ गाड़ियों में होता है अच्छा और कुछ कुछ में नहीं होता है। चलो अभी बारी है स्पोर्ट कार की, स्पोर्ट कार तो होगा नहीं, 123 122 है इसकी मैक्स स्पीड। चलो अभी बारी है जीप की, तो चलो जीप इसकी स्पीड 113 है, मुझे अच्छे से पता है 113 है। देखना 113 पे ही एकदम बस अटक जाती है, 112 भी नहीं होती, 114 भी नहीं होती, एकदम बस 113। इसकी हैंडलिंग तो पिकअप से भी अच्छी है, मतलब समझ लो पिकअप से भी अच्छी, मतलब स्पोर्ट कार से तो बहुत ही अच्छी। देखो अभी मैं यहाँ मोड़ रहा हूँ ना, कितनी प्यार से मुड़ी। अभी देखना यहाँ से मैं मोड़ रहा हूँ, ये रोड पे से हटेगी नहीं, देखना देखना टच भी नहीं हुई। ये देखो कितनी अच्छी हैंडलिंग है इसकी। इसका ना एक और भी बात, इसका टायर बड़ा है ना शायद इसीलिए और भी अच्छी हैंडलिंग है। थोड़ा सा रोड पे से हट गई लेकिन ठीक है यार। चलो इसके बाद मॉन्स्टर ट्रक टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कोई और व्हीकल तो अभी ये लोग ने नहीं ऐड किया है। ऑटो रिक्शा भाई, ऑटो रिक्शा। चलो 113 है इसकी हाई स्पीड। अरे भाई कोई और बंदा घुस गया इधर को। चलो यार मॉन्स्टर ट्रक किधर है? ये लोग ने पता नहीं किधर खड़ी करा, खड़ी होगी। हट भाई, ये इसमें गोली नहीं लगती, तब भी गोलियां चला रहा है तो हट। अबे तो वेक्टर वाला है ये, मेरा पुराना दुश्मन भाई। चलो ये मुझे नहीं लगता ये लोग ने इसमें मॉन्स्टर ट्रक और ऑटो रिक्शा ऐड किया है यार, इधर से ये शोर मचाएगा।
आउट्रो तो करने दे बैठ। अरे यार ये बैठ गया, चलो इसके साथ आ जाओ आउट्रो करते। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 400 होने ही वाले हैं, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर से बता देना वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी करना। और आप लोग को बहुत क्या लिखा इसने पता, आप लोग को रमज़ान मुबारक। रमज़ान में बहुत मतलब मज़ा आता है रमज़ान में। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।